कोटा का यहां शांति नगर कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, जिस तरीके से ओम बिरला कोटा में सक्रिय नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि संसदीय कार्यप्रणाली में वो जितनी दिलचस्पी लेते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने इलाके में भी लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो यहाँ के सांसद हैं और सभी की समस्याओं को समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल विजेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि दिन की शुरुआत ही जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी जनसुनवाई के साथ करते हैं। जब भी वो कोटा आते हैं तो सुबह के जो वक्त जो है सुबह 10 बजे से उनका जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लोगों से मिलते हैं। लोग भी जो है बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास पहुँचते हैं कि उनकी जो है समस्या का निदान होगा। लोकसभा अध्यक्ष लगातार अभी जो है जन सुनवाई कर रहे हैं कोटा के, जो कोटा और बूंदी जो के जो लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र हैं उन इलाकों से तो ग्रामीण और जो शहरी लोग हैं वो तो पहुंचेंगे। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाकों से भी जो है यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर जो है लोग पहुंचे हैं और उनका एक एक करके जो है समस्या सुना रहे हैं और जो पॉसिबल होता है उस समस्या का तुरंत निदान भी किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क भी कर रहे हैं और तुरंत निदान करने की जो समस्या है उनको निदान करने के निर्देश भी दे रहे हैं। जी विजेंद्र, गुल मोहम्मद, आज के उनके कार्यक्रम क्या क्या हैं? जी विजेंद्र, देखो अभी जो है जन सुनवाई चल रही है, इसके बाद में कहा जा रहा है कि 12 बजे जो चित्तौड़ इलाके से जो है कुछ किसान आएंगे, जो काश्तकार हैं, अफीम काश्तकार, उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी जो समस्या होगी उसको हल करेंगे। इसके और इसके बाद में जो आज निःशक्त जन जो है दिवस है उसके कार्यक्रम में भी जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जो शाम को 4 बजे का ये कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करने वाले हैं और वहाँ जाकर उनका सम्मान करने वाले हैं। जी, किस किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं और उनके समाधान के लिए क्या कुछ व्यवस्था ओम बिरला की तरफ से की गई है, क्या सिस्टम क्रिएट किया गया है? जी देखिए, जो भी समस्या आ रही है जैसे किसान वर्ग है या तो किसी की जमीन पर कोई कब्जा हो रखा है और तमाम जो इस तरह की जो समस्याएं हैं जो अधिकारी वर्ग तक नहीं पहुंच पाते, जो लोग वो जो है अपने जनप्रतिनिधि से समस्या का निदान जान चाहते हैं, ऐसे में यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से जो है लोग जुटे हैं और अपनी समस्याओं को जो है अवगत करवा रहे हैं ओम बिरला से। जी बिल्कुल गुल मोहम्मद, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा से हैं लोकसभा स्पीकर, कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला। जब भी कोटा के दौरे पर रहते हैं समस्याओं के समाधान की वो कोशिश करते हैं, सुबह सुबह जनसुनवाई के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समस्याओं की समाधान के लिए न सिर्फ उनकी समस्याओं को सुनते हैं बल्कि अधिकारियों तक उन समस्याओं को पहुंचाते हैं ताकि समाधान मिल सके। और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर यह बेहद ज़रूरी भी हो जाता है कि आप लोगों से जुड़े रहें, लोगों की समस्याओं को सुनें ताकि ये पता चले कि लोग आपसे चाहते क्या हैं और किस तरीके की समस्याएँ सिस्टम में रहते हुए लोगों को आ रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 4 दिवसीय कोटा प्रवास पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ये शक्तिनगर कैंप कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां वो जन सुनवाई कर रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। 4 दिन के कोटा प्रवास पर हैं ओम बिरला।